साधक मित्रों, यह धम्म तपोवन एक का मेरी आवास की ओर जाने वाला रास्ता। साधकों के निवास स्थान की छतें जो है सो गोलाकार में बनी हुई है। बाहर का एक गेट जो आपको दिख रहा है जालीदार, वो मच्छर मक्खी ना आए इसलिए पहला गेट है। दूसरा गेट जो है सो फाइबर का बना हुआ है अंदर, और ऊपर आप देख रहे होंगे हवा आने के लिए एक झरोका भी है लाइट आने के लिए, और इधर ये बाथरूम साइड है उसका भी। अब मैं अंदर से मेरे आवास का आपको दर्शन करा। यह मेरा आवास है। सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से की हुई है ताकि साधक का जो निष्क्रमण है वह सफल हो, वह कहीं ऊब न जाए, इसलिए हर वस्तु का ध्यान रखा गया है कि उसकी आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती है, घर पर उसको क्या आवश्यकताएं मिलती है। वैसे तो साधना तब गिरिकंदराओं में जाकर भिक्षु मुनि साधु संन्यासी करते थे, लेकिन यह आधुनिक संन्यास है हमारा। एक संयमित जीवन जीने का 10 दिन 12 दिन का प्रयत्न है। उस प्रयत्न में ज़्यादा से ज़्यादा ठीक तरह से हम रह सकें, हमारा दृढ़ निश्चय जो है वह पूरा हो। बाथरूम है, टॉयलेट, वॉशरूम या कन्वीनियंस आप जिसे कहते हैं, सारी सुविधाएं रखी है। बस आना है आपको और तपना है, यहाँ पर साधना करनी है, बस इतना ही काम है। धन्यवाद।